जब भी कभी खेती की बात सामने आती है तो आंखों के सामने हरे लहलाते खेत नजर आने लगते हैं। इसके साथ ही अगर आपको खेती करनी हो तो इसके लिए आपको जमीन की जरूरत भी होती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अब आपको खेती के लिए किसी भी जमीन की कोई जरूरत नहीं है, तो जी हाँ, आज के दौर में खेती के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास मिट्टी वाला खेत हो। आप चाहे तो बिना खेत के भी खेती कर सकते हैं, और वो ऐसे कि आप सब्जियों को फैक्ट्री में उगा सकते हैं, या फिर घर की छत पर, या फिर अपनी बालकनी में भी। हाँ, सुनने में भले ही आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन है। और इतना ही नहीं, नई तकनीकों की मदद से आप बिना मिट्टी के घर में ही महंगी और विदेशी सब्जियों को भी उगा सकते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं कि आप ऐसा कैसे कर पाएंगे। दरअसल हाइड्रोपोनिक तकनीक के जरिए किसी भी पौधे को आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। वहीं इस तकनीक से आपको पौधे को लगाने से लेकर उसके बड़े होने तक मिट्टी की कोई जरूरत नहीं होती। हाइड्रोपोनिक खेती में सबसे पहली जरूरी चीज है पानी। इसके अलावा आपको पॉली हाउस जैसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें तापमान को कंट्रोल किया जा सके। बता दें कि पॉली हाउस या ग्रीन हाउस एक प्रकार का ढांचा होता है जिसमें सब्जियों से लेकर फूलों तक का प्रोडक्शन प्लास्टिक की छत के नीचे किया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक खेती में पानी के अलावा बालू और कंकड़ का इस्तेमाल होता है। इस तरीके की खेती से इसमें गोभी, पालक, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, चेरी, टमाटर, तुलसी, लेट्यूस समेत कई विदेशी सब्जियां और फलों को भी उगा सकते हैं। बता दें कि हाइड्रोपोनिक खेती करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेटअप तैयार करना होता है। इसमें एक या दो प्लास्टर सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको एक कंटेनर की जरूरत होती है जिसमें एक खास लेवल तक पानी भर दें। इसके बाद सेटअप के अंदर एक छोटा सा मोटर लगा लें जिसमें पानी का फ्लो बना रहे, और साथ ही इसमें नीचे की ओर पाइप में होल कर दें। इसमें छोटे छोटे गमलों को लगा दें। इसके बाद गमले को चारकोल से चारों ओर से कवर कर दें। फिर गमले में नारियल की जटों का पाउडर और उसके ऊपर बीज डाल दें, जिससे कुछ ही दिन में पौधा निकल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो इसे सेव करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।